हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग। रीजनिंग में पांच अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ताकि ऐसे प्रश्न आपकी एग्जाम में आए तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लो। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करने होंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में हमें क्या करना है। इस प्रश्न में हमें यही करना है कि इसे सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, क्या करना है, सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो हम चलिए इस क्वेश्चन को आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, पहले नंबर में क्या दिया है, बीज। दूसरे में क्या दिया है, पुष्प। तीसरे में क्या दिया है, मिट्टी। चौथे में क्या दिया है, पौधा। पाँचवें में क्या दिया है, फल। ठीक है दोस्तों, तो हमें जब सार्थक क्रम में इसे व्यवस्थित करना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इनमें से क्या आएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा, मिट्टी। ठीक है, मिट्टी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बीज। ठीक है, पहले मिट्टी आएगा, फिर मिट्टी में बीज बोएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, फिर वो पौधा बनेगा। ठीक है, तो पौधा बनेगा, तो पौधे में से क्या निकलेगा, पुष्प निकलेगा। ठीक है, तो पुष्प निकलेगा, उसके बाद फल निकलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले मिट्टी निकलेगा, फिर बीज निकलेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, पौधा निकलेगा, फिर क्या होगा, पुष्प निकलेगा, उसके बाद फल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया हुआ है, पहले क्या है, पहले देश, दूसरा मोहल्ला, तीसरा सदस्य, चौथा समुदाय, पांचवा परिवार। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को भी हमें सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन पहले सॉल्व किए हैं उसी तरह इसे भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम बताते हैं। पहले क्या आएगा दोस्तों, पहले क्या आएगा, सदस्य। ठीक है, पहले सदस्य आएगा। ठीक है, उसके बाद परिवार बनेगा। ठीक है, परिवार के बाद समुदाय बनेगा। ठीक है, समुदाय के बाद मोहल्ला बनेगा। अब मोहल्ले के बाद देश बनेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहले क्या बनेगा, सदस्य, फिर परिवार, फिर समुदाय, फिर मोहल्ला, फिर देश। यानी कि पहले तीसरा, फिर पांचवा, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या तीसरा, देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या तीसरे में क्या दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है प्रस्तुति, दूसरा सिफारिश, तीसरा आगमन, चौथा चर्चा, पांचवा परिचय। ठीक है दोस्तों, इसे भी हमें अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे हम व्यवस्थित करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्या करेंगे, पहले हम आगमन करेंगे। ठीक है, पहले आगमन करेंगे। ठीक है, फिर उससे परिचय करेंगे, पहले उसका आगमन करेंगे, फिर परिचय करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेंगे, प्रस्तुति करेंगे। ठीक है, फिर प्रस्तुति करेंगे, उसके बाद उससे चर्चा करेंगे। ठीक है, उससे चर्चा करेंगे, उसके बाद उससे सिफारिश करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले हम आगमन करेंगे, ठीक है, फिर परिचय करेंगे, फिर प्रस्तुति करेंगे, फिर चर्चा करेंगे, उसके बाद उसकी सिफारिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर चार में दिया हुआ है कि पहले हम तीसरा वाला, फिर पांचवा वाला, ठीक है, फिर पहला, फिर चौथा, फिर दूसरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर चौथा, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार में क्या दिया हुआ है। पहले दिया है आकाश गंगा, दूसरा सूर्य, तीसरा चंद्रमा, चौथा पृथ्वी, पांचवा सितारे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले कौन आया है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे भी हमें सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले चंद्रमा आएगा। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी आएगी। ठीक है, उसके बाद सूर्य आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सितारे आएंगे, उसके बाद आकाश गंगा आएंगे। ठीक है दोस्तों,
क्या सबसे पहले चंद्रमा आएगा, ठीक है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद सूर्य, उसके बाद सितारे, उसके बाद आकाशगंगा, ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर पर चंद्रमा है, ठीक है, चौथे नंबर पर पृथ्वी है, ठीक है, और दूसरे नंबर पर सूर्य है, ठीक है, और पाँचवें नंबर पर सितारा है, और नंबर 1 पे आकाशगंगा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 5। देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया है, प्रश्न संख्या 5 में भी हमें वही प्रोसेस अपनाना है जो सभी क्वेश्चन में अपनाए हैं, ठीक है। तो पहले क्या दिया है, पहले पुलिस, दूसरा दंड, तीसरा अपराध, चौथा न्यायमूर्ति, पांचवा फैसला, ठीक है। तो पहले क्या होगा, देखिए दोस्तों, पहले क्या होगा, पहले अपराध करेंगे, ठीक है, उसके बाद पुलिस आएगी, ठीक है, उसके बाद न्याय मिलेगा, ठीक है, फिर फैसला होगा, ठीक है, उसके बाद दंड मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि पहले अपराध करेंगे, ठीक है, फिर पुलिस आएगी, उसके बाद न्याय होगा, उसके बाद फैसला होगा, फिर दंड मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। पहले क्या हुआ है, पहले अपराध, ठीक है, फिर पुलिस आई है, ठीक है, फिर क्या हुआ है, न्याय हुआ है, ठीक है, उसके बाद फैसला, फिर दंड, ठीक है दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही।